वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। हम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा सलाम, और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए, अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए एक झटपट बनने वाली डिश। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ बहुत होती हैं तो सब्जियाँ खाने का दिल चाहता है। अभी हमने आपको एक सब्जी की रेसिपी शेयर की थी, मिक्स सब्जी की। आज हम आपको आलू पालक बनाना सिखा रहे हैं। जल्दी से झटपट इनकी चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास मिक्स स्पाइसेस हैं जो हम डालेंगे। ये हमारे पास आधा पाव करीब तकरीबन धुली हुई मेथी है, इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और ये हमारे पास छोटे दो आलू थे, वो हमने इसको कट कर लिए, आप चाहें तो एक डाल लीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास देखें, ये एक से डेढ़ पाव ये पालक है, ये आधा किलो नहीं है, आधा किलो से कम हैगा। और ये हमारे पास ऑयल है, हसब ज़रूरत वो डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। और एक बड़ी प्याज है, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। ये एक चमचा लहसुन अदरक है, इसको भी हमने दरदरा सा कूट लिया है। और ये हमारे पास एक बड़ा वाला टमाटर है, इसको हमने मैश कर लिया, अच्छे से फाइन कटिंग कर ली है इसकी, ये टमाटर है। और उधर मेरे पास एक चमचा कसूरी मेथी है, और हल्का सा ये हरा धनिया पुदीना है, और ये लाल मिर्चें। ये हम बिल्कुल लास्ट में जब हमारी डिश रेडी हो जाएगी जब हम यूज़ करेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम आपको डाल के और अपना इसका तरीक़ाकार बताते हैं, तो जल्दी से देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये देखें हसब ज़रूरत हम ऑयल ले रहे हैं, इसमें एक चमचा ऑयल लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक चमचा ऑयल है, नाप के हम लेंगे। ये हमने ऑयल इसमें डाल दिया, तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया था, फ्लेम हमारा ऑन है। और हम जल्दी से इसमें अपनी फाइन की हुई प्याज डाल देंगे। अच्छा, प्याज को आपको लाइट ब्राउन टेक्सचर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखें बस हम इसको सौते करेंगे हल्का सा, तो चूल्हा हमारा तेज़ है, बहुत हल्की हल्का चूल्हा नहीं रखेंगे, इसको जल्दी करेंगे फ्राई। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते और ये बहुत जल्दी से बन जाता है दम पे। आलू भी हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए इसको हल्का सा बस आपने प्याज को सौते कर लें। अच्छा, जब तक ये हमारी प्याज सौते हो रही है, हल्का लाइट ब्राउन जब तक इसको आता है, तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक अपना ऐड कर लेंगे। गर्मियों में सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा लगता हैगा, बस हल्का हल्का खाने का दिल चाहता है, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सब अपने स्टाइल से बनाते हैं, बहुत सारी तरह आपने इसको बनाया होगा, एक दफ़ा आप हमारे स्टाइल से बना कर देखें, आपको पसंद आएगी। बस ये प्याज यहाँ पर हल्की सी देखें, इसकी क्रंच निकल गया है और ये हल्का सा ब्राउनिश की तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इस टाइम पर हम इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को हमने फाइन चॉप नहीं किया है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा बारीक बारीक सा कट करा है, और ये भी इसके साथ हो जाएगा। फ्लेम हमारा हाई पर ही है अभी, इसको हम जल्दी भून लेंगे ताकि हमारे लहसुन अदरक का फ्लेवर आने लगेगा। तो फिर हम इसमें अपने टमाटर शामिल करते हैं। चलो देखिए प्याज हमारी ये हो गई है लाइट ब्राउन सी, अब इधर हम डाल देंगे इसमें ये अपने चॉप किया हुआ बड़ा टमाटर। अगर आपके पास छोटे हों तो दो ले लीजिए, टमाटर इसमें अच्छा टेस्ट देता है। इसको मिक्स करेंगे, चूल्हा हमारा मीडियम पे ही है। अच्छा, ये देखें ये टमाटर हमने डालनी है, और यहीं पर इस स्टेज पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में देख लीजिए आप, ये हमारे पास नमक है, इसमें हम अपने जायके के मुताबिक डालेंगे, आप जितना नमक यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। हम इसमें एक छोटी चमची डालेंगे, इसलिए कि जो पालक हम डाल रहे हैं उस पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक पे ज़रा हल्का हाथ ही रखिएगा। तो हल्दी डालते हैं आधी चमची, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे एक चमचा भर के। अगर आपके यहाँ मिर्चें कम खाई जाती हैं तो आप कम मिर्चें डालिए, ये बहुत अच्छा होता है, मिर्चें तो कम ही खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा देखें हम इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे, बस हल्दी, मिर्च, नमक, और ये जो हमारे पास कसूरी मेथी थी, ये कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे। भूनेंगे थोड़ा सा। अच्छा, टमाटर को हम ज़्यादा नहीं पका रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम जब पालक डालेंगे तो ये उसके साथ ही पक जाएगा। अभी हम इसमें ये हमारे पास कटे हुए धुले हुए आलू होंगे, ये आलू हम इसमें शामिल कर देंगे। भूनेंगे इनको, पानी ऐड नहीं करेंगे, जो टमाटर है इसी में ही अपने पक जाएंगे। दो मिनट भूनने के बाद
इसमें हम अपनी पालक ऐड कर देंगे। ये इसको 2 मिनट हो गए, 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें अपना ये पालक ऐड कर देंगे। पालक में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, इसीलिए हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। और ये मेथी, क्योंकि हम आलू मेथी पालक बना रहे हैं तो ये देखें ये मेथी है हमारे पास, ये मेथी भी हम डाल देंगे इसमें। अच्छा अभी देखें ये आपको ये डिश में भरी भरी और खड़ी खड़ी लग रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको दम पे रखेंगे तो ये बिल्कुल से बुझ जाएगी और रेडी हो जाएगी। जैसे ही ये रेडी होगी हम आपको डिश आउट करके अभी खोल के दिखाते हैं जब ये रेडी हो जाएगी। देखें हमने इसको 10 मिनट दम पर रखा था और ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसका लुक देखें आप कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा ये जो हमारे पास इसमें 3 मिर्चें थी ये हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई कर लें। और ये हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट करते हैं आपको दिखाते हैं। मिर्चें हमने इसलिए नहीं पकाई हैं कि अगर छोटे बच्चे खा रहे हों या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं, तो ये लाल वाली मिर्चें जो होती हैं बहुत तेज़ वो तीखी फ्लेवर दे देती हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि मिर्चें ऐसी रखें आपके घर में जिस तरह से खाई जाती हैं। कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रखें। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी, आप इसकी शक्ल देखें, इसका लुक देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल डन है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि आपको हमारी डिशेस कैसी लग रही हैं और हमारी कुकिंग कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।